अजीत प्रणाम सर अजीत, जी। प्रणाम सर। टॉपिक हाँ क्या टॉपिक था? सर, हम ऑफिस में हैं आज तो। टॉपिक था क्लास करोगे या नहीं? पिछले, करेंगे सर। रोजगार पे पढ़ाए थे सर, विनिवेश पढ़ाए थे, उसके बाद रोजगार उसमें था, रोजगार टॉपिक था उसमें पढ़ाए थे। उसके बाद वाला टॉपिक बताओ ना भाई। जी सर बताते हैं। सिलेबस पास माहौल में रखा करो, तुम्ही को पढ़ा रहे हैं, बाकी सब तो सुनेगा। जी सर, जी सर, सर। लास्ट में पढ़े थे सर रोजगार का निर्धारण, उसके बाद था आय वितरण और वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप आय वितरण और वृद्धि के लिखने समृद्ध दो, आर्थिक पहले प्रतिरूप लिखने दो। जी। आय आय वृद्धि आय के बाद सर वितरण, आय कॉमा वितरण, आय वितरण वृद्धि नहीं ना बोल रहे हो? उसके बाद है सर आय वितरण और वृद्धि रुक जा। आय वितरण और और वृद्धि, जी वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप वृद्धि के समृद्ध समृद्ध जी सर, समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप आर्थिक प्रतिरूप। जी सर।
म्यूट किया हुआ है सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। पहला पार्ट इसका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। जी तो अब हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ लेबर। सबसे सिंपल होता है उत्पादन श्रम का फलन है। तो इसी का DQ/DL हो गया श्रम की सीमांत उत्पादकता। यही हो गया श्रम को आय की प्राप्ति। श्रम को आय की प्राप्ति। अगर मान लीजिए
ये तो एक साधन हो गया, ये कैसा केस हो गया, एक साधन का जो शुरू के जमाने में मजदूरे सब कुछ था, अब हो गया अगर दो साधन है। आजकल जो है पांच साधन में दो ही साधन का उल्लेख रहता है, तब इसको पढ़ेंगे प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। उत्पादन श्रम एवं पूंजी का उत्पादन श्रम एवं पूंजी का प्रतिफल है। अब एक तत्व तो रहेगा तो DQ/DL करेंगे, दो तत्व तो हो जाएगा तो क्या करेंगे, डेल लगा देंगे, DQ/DL, और दूसरा करेंगे DQ/DK। ये हो गया आपको श्रम की आय, श्रम की सीमांत उत्पादन, श्रम की सीमांत उत्पादन, इसे कहेंगे श्रम की मजदूरी, श्रम की मजदूरी या श्रम की आय। और इधर आपका हो गया पूंजी, पूंजी की सीमांत उत्पादन, पूंजी की सीमांत उत्पादन बराबर पूंजी की आय। आशुतोष इसको पढ़ो तो जरा, ऋतु ज्वाइन करो ना। सर आय वितरण और वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप क्या फिर से बोलो तो। सर आय वितरण और वृद्धि के समृद्ध इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आय वितरण एक साधन में हो जाएगा सर क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल यानी प्रोडक्शन इज फंक्शन ऑफ लेबर उत्पादन श्रम इसका हो जाएगा DQ/DL इक्वल टू श्रम की सीमांत उत्पादकता और इसी को बोलेंगे श्रम की को आय की प्राप्ति और दो साधन में दो फंक्शन हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा लेबर एंड कैपिटल Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल उत्पादन एवं श्रम उत्पादन एवं पूंजी का प्रतिफल है श्रम एवं पूंजी का प्रतिफल है इसका हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा DQ/DL DQ/DL इक्वल टू हो जाएगा श्रम की सीमांत उत्पादन इसे ही श्रम की मजदूरी या श्रम भी कहेंगे और उसके कैपिटल का हो जाएगा DQ/DLK पूंजी की सीमांत उत्पादन या पूंजी की आय हो गया सर अब हम लोग अगर लेते हैं प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्राइज, तब क्या हो जाएगा, DQ/DL DQ/DL के
डेल क्यू बाई डेल ओ, डेल क्यू बाई डेल ई, इसको कहेंगे भूमि की सीमांत, भूमि की सीमांत उत्पादन, और इतने ही के बराबर हो जाएगा भूमि को लगान, ये कहलाएगा भूमि, ये कहलाएगा श्रम की सीमांत, श्रम की सीमांत उत्पादन, श्रम की सीमांत उत्पादन, इसी को कहा जाएगा श्रम की मजदूरी, श्रम की मजदूरी, पूंजी की पूंजी की सीमांत उत्पादन, इसको कहा जाएगा पूंजी की आय अर्थात ब्याज अर्थात ब्याज दर, ये हो गया संगठन की सीमांत उत्पादन। बराबर हो गया संगठन, संगठन माने हो गया मैनेजर, मैनेजर का वेतन, और लास्ट हो गया उद्यमी, उद्यमी की सीमांत उत्पादन। टॉपिक क्या नाम है सर? टॉपिक टॉपिक का नाम है आय का वितरण, का आय आय का वितरण, आय का वितरण। बोल लिख लो ए ऋतु, हाँ ये बोर्ड पर ही पहला पेज उतार लो या स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो पूरे का, स्क्रीन शॉट लेने आता है नहीं होता है सर, हमसे कोशिश तो करते हैं, होता नहीं है। हाँ तो उतार लो, उतार लो। एक वो असिस्टेंट रखो ना, अच्छा देख रहे हैं। स्क्रीन पे तीन उंगली रखकर नीचे खींचिए आ जाएगा। इस स्क्रीन पर तीन उंगली रखकर नीचे की ओर खींचेंगे तो हो जाएगा, आ नहीं तो पावर बटन और जो वॉल्यूम वाला बटन होता है दोनों को एक साथ दबाएंगे तो हो जाएगा। अब वो सब स्टेज के अभी बाहर हैं भाई, अभी कुछ होगा, कुछ दबा देंगे तो गड़बड़े हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, उतार लीजिए, एक पेज में क्या प्रॉब्लम। जब तक उतार रहे तब तक हम बोल रहे हैं, अजीत सुनो बात को। तो आय का वितरण जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी आप देख रहे हैं
एक आदमी की शादी में अरबों रुपया खर्चा हो रहा है, आ एक आ गांव के वो शादी में अपना पगड़ी उतार के रख रहा है तो एक लात पगड़ी को मारा, आ लड़का को कहा चलो उठो, पैसा नहीं दिया है पूरा। ये दोनों इंडिया में हो रहा है, और वहां जो बोल रहा है वो सुन के आश्चर्य है कि गिफ्ट में क्या दिए हैं। तो दुबई में एक फ्लैट दिए हैं, सोचिए दुबई का फ्लैट जो रहेगा उसमें रहने के लिए दुबई जाना पड़ेगा ना। दूसरा जो है वो बॉम्बे में फ्लैट दिया है, तो कितना फ्लैट दोगे? अंगूठी भी, अंगूठी नहीं गला का कोई चीज दिया है तो उसमें हीरा जवाहरात लगा हुआ है। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा महत्वपूर्ण है। आय जनरेट होगा, अधिकतम आय चला जाता है 5% लोगों के पास, और बाकी का जो आय रहता है वो जीवन निर्वाह स्तर का रहता है, कि उस आय से वो मरेगा नहीं और ना ठीक से जिएगा, वो बीच में लटका रहेगा। तो कहता है कि आय वितरण जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, आर्थिक ग्रोथ हो रहा है, सब हो रहा है, और आय का वितरण क्या है? अमेरिका में 1 घंटा अगर आप मजदूरी करते हैं तो $20 उसका हो गया है। 2024 में रेट क्या हो गया? $20। अब $1 का वैल्यू कितना होगा? 80 रुपया है या उसके आसपास है, 80 में 20 से गुना करोगे आशुतोष कितना होगा? 1600 रुपया हो गया सोलह सर। सौ रुपया तो 1 घंटा अगर आप बैरा का काम कीजिएगा वहां तो 1600, 2 घंटा कीजिए तो 3200, 3 घंटा के बाद कोई करने को तैयार नहीं, उतने में उसका सारा काम हो जाता है। जितना है स्टूडेंट है सब 3 घंटे का कार्ड बनाए हुआ है, कितना घंटा आप काम कीजिएगा इसका एक आपको कार्ड मिलेगा जो सरकार की ओर से दिया हुआ है कि ये इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, ये 2 घंटा काम कर लेगा इसका खर्चा निकल जाएगा। ये मेडिकल का स्टूडेंट है, 2 घंटा काम कर लेगा, 3 घंटा काम कर लेगा एक दिन में। वहां क्या है, सब इतवार और शनिचर इतवार को काम नहीं होता है, तो काम नहीं होता है तो सैलरी भी नहीं मिलता है। लेकिन भारतवर्ष ऐसा है कि छुट्टी होगा तो भी सैलरी मिलेगा, लेकिन सैलरी ये कम है आपका, और उसका 1 घंटा का है $20। कानून बना हुआ है कि जो नहीं देगा उसको जेल में डाल देगा। यहाँ स्कूल के मास्टर को, प्रोफेसर को इतना नहीं मिलता है घंटा का। हम लोग जाके पढ़ाते हैं अगर कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के रूप में तो 500 रुपये, ये पेज 500। हो, हाँ क्या बोली, पेज ये पेज हो गया। हो गया? हाँ बताओ क्या लिखी हो, बोलो जोर से, पढ़ो ना उस पेज पढ़ को। रहे हैं, आय वितरण और वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल, उत्पादन श्रम का फलन है, डी क्यू बटे में डीएल, श्रम की सीमांत उत्पादकता इक्वल टू श्रम को आय की प्राप्ति, दो साधन क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल के, उत्पादन श्रम एवं पूंजी का प्रतिफल है, डेल क्यू बटे में डेल डेल एल, श्रम की सीमांत उत्पाद, श्रम की सीमांत मजदूरी या श्रम की सीमांत आय, डेल क्यू बटे में डेल के इक्वल टू पूंजी की सीमांत उत्पादन इक्वल टू पूंजी की आय। हो गया, हाँ अब हम लोग का पेज नंबर दो में क्या है? अब पांच गो हाँ साधन है, पांचों को ले लिए, तो पांचों को ले लिए तो सब पर डेल लगेगा, क्योंकि एक से अधिक में डेल लगता है, तो पांचों एक जगह है तो सब में डेल लगेगा, वही डेल क्यू बाई डेल एन, भूमि की सीमांत उत्पादन।
डेल क्यू बाई डेल एल श्रम की सीमांत उत्पादन, और उसी का दाहिने हाथ लीजिएगा तो भूमि का लगान, श्रम की मजदूरी, पूंजी की आय। पूंजी की आय को क्या कहते हैं? ब्याज दर। पूंजी की आय को क्या कहते हैं? क्या सर? डेल पूंजी की आय को क्या कहते हैं? ब्याज के, डेल है के, डेल के, डेल क्यू बाई डेल के। हाँ डेल क्यू बाई डेल के। डेल संगठन मैनेजर के वेतन को क्या कहते हैं? डेल क्यू बाई डेल ओ। उद्यमी की सीमांत उत्पादन, डेल क्यू बाई डेल ई। इसी को कहेंगे लाभ। लाभ का मतलब हो गया डिविडेंड्स। डिविडेंड का मतलब हो गया लाभांश। अब प्लस और वितरित लाभ कंपनी अपने रख लेती है, और वितरित लाभ, और वितरित लाभ को ही कहा जाता है कंपनी की बचत। कंपनी की बचत मतलब कंपनी कहता है कि सब बांट देंगे, कुछ हमारे भी अकाउंट पर आना चाहिए कंपनी के अकाउंट में, तो एक हिस्सा वही लेता है, वो खर्च नहीं करता है, वो बांट के रखता है। लिख लिए अजीत यस सर, है? ठीक यस सर, लिख लिए सर। है, हाँ एक मिनट सर, मेरा 2 मिनट रुक जाइएगा सर। बोलिए। कंपनी की बचत को अवितरित लाभ कहते हैं। लिख ली तो बोलो, लिख लिए तब ना बाज रोकन। हाँ, एक लाइन, लास्ट वाला लाइन है, डेल क्यू बटे में डेल ई, इसको उतारना है बस। डेल क्यू बाई डेल ई। हाँ, उद्यमी की उद्यमी, सीमांत उत्पादन हाँ उद्यमी का सीमांत उत्पादन इज इक्वल टू लाभ। लाभ। अब लाभ का दो हाथ हिस्सा होता है, लाभांश प्लस अवितरित लाभ। अगर आपको इंटरव्यू में पूछ दिया कि अवितरित लाभ का क्या मतलब होता है, तो बताना है कंपनी की बचत। कंपनी की बचत को अवितरित लाभ कहते हैं। कंपनी के कंपनी यहां देखिए, ये चीज जो है ये समझने के लिए आपको लिख दिए हैं। कंपनी की बचत को अवितरित लाभ कहते हैं। लिख लिए अब जी सर, हम लोग का सवाल। ऊपर में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन आय का वितरण लिखा हुआ है ना? क्या लिखा हुआ है? आय, हाँ, आय वितरण और वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप। वो आगे छोड़िए ना, पहले आय का वितरण है। आय का वितरण पहला टर्म है ना,
आय का वितरण है कि आय वितरण है? आय वितरण है सर। क्या है, बोलिए, नहीं रहे हो, चुप्पी से आय आगे। आय आय वितरण है सर, आय वितरण। आय वितरण पहला टर्म है, उसी को जी हम लोग सर, अभी पकड़े हुए हैं, दूसरा इसके बाद आवेगा, वो ग्रोथ है, विकास। तो आय वितरण का सीधा संबंध, सीधा संबंध उत्पत्ति के साथ साधनों को उसके कार्यों के बदले में, कार्यों के बदले में जो साधन मूल्य, साधन मूल्य, साधन मूल्य क्या हुआ? जैसे लगान, मजदूरी, ब्याज, और लाभ, और लाभ जो दिया जाता है, लाभ दिया जाता है ब्याज, और जैसे लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, जैसे लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ दिया, लाभ जो दिया जाता है उसे ही आय वितरण कहते हैं। आय वितरण आय वितरण कहते हैं। अब इसमें दो बात होता है, एक एक को कहा जाता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब आय का व्यक्तिगत वितरण। वितरण, आय का व्यक्तिगत वितरण। इसी में आय का व्यक्तिगत वितरण, आय का व्यक्तिगत वितरण, इसी में व्यक्ति की आय का निर्धारण होता है। इसी में व्यक्ति की आय का निर्धारण होता है और
आय का निर्धारण होता है, और इसी से आय की विषमता का जन्म होता है। इसे लॉरेंज कर्व तथा गिनी गुणांक गिनी कोफिशियंट से करें दर्शाया जाता है। इसी को साधन साधन मूल्य निर्धारण एवं व्यक्तिगत आय वितरण से आय दर्शाया जाता है। लिख लिए, जी सर, सब आदमी का हो गया पेज लिखना? यस सर लिखिए। यस सर, लिख लिया। स्नेहा, तुम लिख ली? ठीक जी सर लिख लिए। सर है। यहीं से शुरू हुआ है ना, है? यहीं से शुरू है ना, आय वितरण से नहीं आय वितरण का सीधा संबंध लिखी हो? जी, ये पूरा पेज लिख लिए अच्छा, अभी हम पेज बदल रहे हैं, उसका स्क्रीन शॉट ले लो। स्क्रीन ये शॉट पेज। लेने आता है ना? हाँ जी सर, जी सर हाँ हाँ ठीक है। चलो स्क्रीन शॉट लो, ये पहला पेज है। सर उसमें सिलेबस में आय कौमा वितरण और वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप ऐसे हाँ भाई, लिखा तो हुआ सर आय वितरण लिए है ना जी। आपने, सर दूसरा वाला पेज। आय वितरण का पहले होगा, फिर वितरण और वृद्धि का होगा। आय के बाद जी कौमा दिया हुआ है सर उसमें, आय कौमा वितरण और वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप सर। तीन गो आइटम उसमें है, एगो है आय, एगो है वितरण, एगो है वृद्धि। जी आय इनकम वितरण डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ। और जी इनकम सर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ, तो पहले इनकम को वितरण से जोड़िए, जिसको कहा जाता है पर्सनल इनकम, और वो जब हो जाएगा तो फिर जो वितरण आप किए और ग्रोथ क्या हो रहा है,
ग्रोथ का। तो अभी उधर नहीं जाइए, जो बता रहे हैं वहीं रहिए ना भाई। ठीक। सिलेबस आपका जो है बेवकूफ की तरह बना दिए हुआ है, कभी पढ़ाया है ये नहीं, सिलेबस बना दिया, पैसा लिया चल दिया। सिलेबस में आप देखिए यूपीएससी का सिलेबस एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। अब आए या कॉमा, कॉमा है कि नहीं है, कुछ छापने वाला आपका नकली है, कोई बीपीएससी का तो सिलेबस आपके पास है नहीं, बाजार में बिकता है सिलेबस, बाजार में जो सिलेबस बिकता है उसमें बहुत सारा गलती रहता है, कॉमा देना है कि नहीं देना है, डैश देना है, क्या देना है। तीन आइटम है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, ये इंग्लिश में बीपीएससी एकदम का साफ सिलेबस लिखा है सर। हुआ है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। इनकम होगा, इनकम का वितरण होगा, और सबका वितरण होगा तो देश में ग्रोथ होगा। ग्रोथ का मतलब विकास, वृद्धि, और वृद्धि का नाप भी है आय, प्रति व्यक्ति प्रति आय, व्यक्ति आए। प्रति व्यक्ति आय नाप है। ये सिलेबस सर हम बीपीएससी से ही निकाले सर, पीडीएफ। अरे कहीं से निकालिए ना, आपका रिजल्ट में नाम जी अपना नाम ठीक दे हुआ है, बाप का नाम गलत दे दिया है, अब दौड़ रहा है, रिजल्ट निकला हुआ है। अपना कॉमन सेंस लगाइए, जी आय सर, वितरण और वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट कीजिएगा तो हो जाएगा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ का इकोनॉमिक अप्रोच। क्या इकोनॉमिक अप्रोच है, कौन सा मॉडल लगाइएगा, हैरोड डोमर मॉडल लगाइएगा, हैरोड मॉडल लगाइएगा, क्या लगाइएगा। तो खैर अभी छोड़िए, जो बात हम बता रहे थे, तो ये पहला पेज जो है, उसके बाद ये दूसरा पेज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो बाद में है। और रूटीन एक लिख लीजिए, जिसका 7 बजे से क्लास है, उसका मंगल को बीफे को, मंगल और बीफे को क्लास हो जाएगा 8 बजे से। कितने बजे मंगल को और बीफे को सर? 8 बजे हो जाएगा, 7 नहीं होके 8 हो जाएगा। अब अच्छा, बाकी एक घंटा लेट। 2 दिन, मंगल को और ट्यूसडे बी और थर्सडे। मंगल और बीफे को 8 बजे हो जाएगा, हाँ, ट्यूसडे और थर्सडे को। और सोमवार को, बुध को, शुक्र को, ये सब आपको रहेगा 7 बजे। बहुत तरह का ड्यूटी हम लोग को भी लगता है ना, गुप्त काम करने का, बताना नहीं है कि कौन सी गुप्त है, लेकिन हम लौटेंगे 8 बजे रात, 8 बजे के पहले आ जाएंगे। तो भूमि को पेज लिख लिए ना, जी तो सर, भूमि जी को तीसरा पेज तो नहीं ने लिखे हैं अभी, तीन पेज हो चुका है सर, है? तीसरा पेज हो चुका है सर। तीसरा पेज हो चुका है, जी सर, तीसरा पेज से आइए नहीं रहा है, ये चौथा आ गया, ये वो जंप कर गए हम लोग। आगे पीछे करने में गड़बड़ हो गया, तो ये तीसरा पेज ब्लैंक चला गया है,
जी खैर जो चौथा पेज इसमें देखिए, तो इसमें हम लोग क्या किए, लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशियंट जो है अब देखिए यही है आपको, ये चित्र है। अब इस चित्र में ये मिला दीजिए तो इसको कहा जाएगा इक्वल, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। आय का समान वितरण, आय का समान वितरण चीन में है, समान वितरण सब स्टाफ को फ्लैट मिलेगा। अब फ्लैट में क्या रहेगा, एगो रूम लैट्रिन बाथरूम। अब विशाल काय बनाया हुआ है, बस एक रूम, और वहां एक बच्चा ही आपको उत्पन्न करना है तो उसी रूम में रहना है। बच्चा जब यंग हो जाएगा तो उसको भी एगो रूम मिल जाएगा। तो आय का समान वितरण क्या होगा, आय का समान वितरण, और इसी में ये कर्व देखिए, ये जो कर्व होगा इसको कहा जाएगा लॉरेंज कर्व, इसको कहेंगे लॉरेंज वक्र। अभी जो बीच वाला जो एरिया है यही आय की असमानता है, आय की असमानता है। सरकार क्या करेगी, सरकार जो है टैक्स लगाएगी और टैक्स लगा के इस रेखा को ऊपर ठेल देगी। तो ए पर आय की विषमता ज्यादा है, बी पर आय की विषमता घट गई, क्योंकि यहाँ क्या लगा दिया गया, प्रगतिशील कर। तो कहता है कि आय का वितरण अगर असमान है तो सरकार क्या लगाना चाहिए, सरकार को प्रगतिशील कर। अब प्रगतिशील कर कैसा होता है, आय बढ़ने के साथ जो बढ़ता है, देखिए इस तरह का प्रगतिशील कर इतना ऊंचा होगा और यहाँ जाके फिर टर्न हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। यहां आने पर क्या होगा, टर्न हो गया। कर दर यहां से यहां तक, ओ से लेके ए तक प्रगतिशील है। वास्तविकता यही है कि प्रगतिशील कर जो है, प्रगतिशील कर ओ से ए तक आय पर रहेगा और उसके बाद होरिजेंटल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ए जेड। ए जेड पर आपको 500 करोड़ हो
1,000 करोड़ हो, 50,000 करोड़ हो, सेम रेट लगेगा। कर भी हम लोग जानते हैं कर कितने तरह का होता है। एक होता है कि सीधे बढ़ता जाए तो प्रगतिशील हो गया, और एक होता है कि घटता जाए, और एक होता है कि कर जो है कांस्टेंट रहे। तो ये प्रोग्रेसिव हो गया और ये प्रोपोर्शनल हो गया। सीधा वाला क्या हो गया? आनुपातिक। आनुपातिक कर, ये जो टैक्स होगा ये आनुपातिक कर कहलाएगा। आई ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये खतरनाक है कि गरीब को टैक्स ज्यादा लगेगा, अमीर को कम लगेगा। फ्रांस में ही था तो वहां फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, मारकाट हो गया। जितना धनवान आदमी है, सीधे लगातार बढ़ता रहेगा, तब इसको कहा जाएगा प्रगतिशील। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि प्रगतिशील कर और आनुपातिक कर में क्या अंतर है, तो आपको बताना है कि श्रीमान, प्रगतिशील कर में आय एक्स एक्सिस पर रहता है और कर जो रहता है वो वाई एक्सिस पर रहता है। दोनों साथ साथ बढ़ता है, आय बढ़ेगा कर बढ़ेगा, आय बढ़ेगा कर बढ़ेगा। इंदिरा गांधी के जमाने में था कि 93% कर लगता, 93%, और जो स्लैब था 39 वो स्लैब था, जबकि 93% के ऊपर तक कोई पहुंचता ही नहीं था। तो मान लीजिए कहेगा कि 100 करोड़ में आप 93 करोड़ टैक्स दे दीजिए और 7 करोड़ ले जाइए, तो कोई व्यापारी इस काम को करेगा? वो नीचे ही में 2-3 करोड़ दे करके फरिया लेगा, साला बनो ही करके, पैसा बच जाएगा, जिसको ब्राइब कहते हैं। इंदिरा गांधी को लगता था कि टैक्स को जितना ऊंचा रखेंगे तो लोग समझेगा कि आई एम प्रो पुअर, माने हम गरीब के हक में काम कर रहे हैं, कि अमीर के ऊपर 93% टैक्स लगा रहे हैं। सच्चाई क्या है कि 93% टैक्स देने वाला कोई आदमी ये नहीं है। आपको 93% देंगे तो क्या नहीं 10-15% दे के नीचे ही काम तमाम कर लेंगे। तो इससे क्या हुआ? खूब चोरी चल रहा है, बेईमानी चल रहा है। आज के जमाने में हो गया है कि कर का दर को घटा दीजिए तो व्यापारी खुश रहेगा, पूरा पैसा दे देगा, घूस घास का बातें नहीं है। इस नियम को लागू किया गया तो इतना पैसा टैक्स से आ रहा है कि रखने का जगह नहीं है। तो जगह नहीं तो क्या करेगा? उत्तर प्रदेश में 8 गो 9 गो एयरपोर्ट खोल दिया, बिहार में भी 1-2 गो खोलने वाला है, तरह तरह का सड़क जो बना रहा है, ऐसा बना रहा है 8 लेन। मनीषा तुम देखी होगी दिल्ली में 8 लेन का रोड, गुड़गांव, गुड़गांव से दिल्ली जाने के रास्ते में जाते आ तो अभी देखते हैं कि गुड़गांव से आते समय खूब जाते जाम रहता है। शाम के समय में देखोगी कि गुड़गांव से लौटते समय इतना जाम लगा हुआ रहता है, लाखों लाख कार। तो आय का समान वितरण करने के लिए कौन सा काम करना चाहिए? है? कर के दर को कम कर देना चाहिए, आय का समान वितरण। जोर से बोलो। क्या पूछे सर? कर के दर को कम करना चाहिए, आय के दर में, प्रगतिशील कर लगाना चाहिए, प्रगतिशील कर, प्रोग्रेसिव आय कर, का प्रगतिशील कर को लगाना चाहिए। हाँ समान वितरण करने के लिए, और ये कर्व का नाम है लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर। लॉरेंज नाम का शास्त्री ने इसको दिया था, मैक्स और लॉरेंस, हर मैक्स सोलर। इंटरव्यू में आपसे पूछेगा कि लॉरेंज कर्व क्या है, तो बोलिएगा श्रीमान लॉरेंज कर्व एक
रेखा रेखा का तकनीकी है जिसको हम लोग नापते हैं कि 45 कर डिग्री की का दर और 45 कर की माप। डिग्री का जो लाइन रहेगा वो समान आय वितरण है, और उसके नीचे जो है कन्वेक्स टू द ओरिजिन वाला कर्व रहेगा। कन्वेक्स टू द ओरिजिन है ना, जी एक्स की ओर पेंदी इसका नीचे है, तो जी ए पर आय की विषमता ज्यादा है, बी पर आइएगा तो उतना जगह घट गया। अभी हमारे यहाँ कैसे कर रहा है कि 25% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जी गरीबी नहीं, गरीबी तो एक वो टर्म है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें बहुत सारा आइटम है बेयर नेसेसिटी। इंटरव्यू में पूछ देगा आपको कि भारत सरकार बेयर नेसेसिटी का मतलब क्या है, तो बेयर नेसेसिटी का मतलब है ये पता लगाना कि ये आदमी की आर्थिक स्थिति क्या है, किस तरह के मकान में रह रहा है, पक्का है कि झोपड़ी है, पक्का है तो उसमें बिजली है कि नहीं, बिजली है तो लूज तार है कि वायरिंग है, पानी का असर क्या है, पीने का पानी है कि नहीं, शौचालय का क्या पोजीशन है, सड़क क्या है, स्कूल कितना वहां से दूर है, इस सारे चीज को नापा जाएगा तो उसको कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कहता है कि केवल आय नहीं देखना है हमको, सब चीज देखना है, आपका हेल्थ क्या है, पढ़ाई क्या है, बच्चा का क्या पोजीशन है, आपका क्या पोजीशन है, औरत है तो उसका क्या पोजीशन है, नौकरी का क्या पोजीशन है, मकान है कैसा मकान है, सरकारी है कि प्राइवेट है, उसका बिजली का क्या पोजीशन है, पानी का, सारा का पॉइंट है, और उस पॉइंट को जोड़ करके निकाला गया कि पिछले 10 साल में भारत का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो हम लोग का 25% आदमी उससे निकल गया बाहर। अब इसको समझ में जिसको नहीं आएगा क्या है, कहाँ निकल गया, तो ऐसे ही घर में रह रहा है। अरे नापने का तरीका है, ब्लड प्रेशर नापा जाता है, देखोगे ब्लड प्रेशर नापेगा तो कुछ आएगा, और तुमको एक झापड़ मारेगा फिर नापेगा तो बढ़ जाएगा, पुराना ब्लड प्रेशर रहेगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्या बढ़ होगा, जाएगा सर, गुस्सा गुस्सा बढ़ होगा तो जाएगा, बढ़ जाएगा ब्लड तो प्रेशर। वो बिहेवियर पर है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंटरव्यू में ये एक सवाल निश्चित है पूछेगा कि भारत में मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स जो है वर्ल्ड बैंक के कहने पर जो नापा गया है उसमें कौन कौन सा आइटम है, तो हमारा जो वीडियो है उसमें खोज के निकाल लीजिए, बेयर नेसेसिटी उसका नाम है, उसका नाम है बेयर नेसेसिटी, इंग्लिश में नाम है बेयर नेसेसिटी, मतलब एकदम जरूरत जो है वो चीज है, तो उसमें बनाया हुआ है आइटम, बनाया हुआ है, निकाल के एक बार देख लीजिए। यहाँ तक ही कहता है कि बिजली का लाइन लगा हुआ है तो लूज तार ले आए हैं चुपचाप कहीं से लटका लिए बल्ब, बहुत घर ऐसा गरीब का है कि किसी के यहाँ से तार खींच लिया है वो बल्ब लटका हुआ, उसी बल्ब में खाना भी बना लिया, पढ़ा भी, सुता भी, रहा भी, गरीबी का हालत है, लाइट आ गया। तो आज जिसके हमारी लाइन का वायरिंग है तो उसकी आर्थिक स्थिति डिफरेंट होगी। पानी आप जाके दो कोस से लाते हैं, दिल्ली का भी जो फोटो दिखा रहा था टैंकर आ रहा है और सब बोतल ये लेके बड़ा बड़ा ड्राम लेके बैठा हुआ है, और कहता हम दिल्ली में रहते हैं, अपना शहर छोड़ के सब दिल्ली में चलाए, और देखिए पानी के बिना क्या है। यमुना नदी भी है तो उसका पानी जो है एकदम प्रदूषित है, उजला सुअर घुसता है तो काला होकर निकलता है, काला घुसता है तो उजला हो जाता है, इतना फेन है उसमें कि उस फेन से आपको 10 तरह का बीमारी धर लेगा। तो दिल्ली में बैठे हुए हैं आप, और उस पानी को ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते थे, लेकिन ध्यान ही नहीं है, खाली ध्यान है कि हम कैसे पावर में रहे, पावर पॉलिटिक्स जो है वर्क और जो सर्विस है उसको ध्यान ही नहीं। तो कहता है कि प्रगतिशील कर हो गया, ई जो ई वाले को कहेंगे प्रगतिशील
प्रतिगामी, रिग्रेसिव, प्रतिगामी का अंग्रेजी क्या होगा? रिग्रेसिव, रिग्रेसिव। रिग्रेसिव. कहता है कि अगर मान लीजिए कि बढ़ रहा है आ जाके सीधा हो गया, तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम हो जाएगा डिग्रेसिव। इसका नाम हो गया डिग्रेसिव। इसका नाम हो गया प्रोपोर्शनल। इसका नाम हो गया प्रोग्रेसिव। यस तो लोग समझता है कि इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है, लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं, इनकम टैक्स भी आगे जा करके क्या हो जाता है? हॉरिजॉन्टल हो जाता है। आयकर जो है, मान लीजिए कि 20 लाख तक ले रहेगा प्रोग्रेसिव, और बाद में हो जाएगा प्रोपोर्शनल। आधा रहेगा प्रोग्रेसिव, आधा हो जाएगा प्रोपोर्शनल। तो जब कर का दर थोड़ा दूर प्रोग्रेसिव हो और थोड़ा दूर प्रोपोर्शनल हो, तो उसको कहा जाता है डिग्रेसिव। आपसे पूछेगा कि इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है कि प्रोपोर्शनल है, क्या है? तो आपको बोलना है कि श्रीमान, आय कर जो है एक एक 0 पॉइंट से ए पॉइंट तक प्रोग्रेसिव रहता है। आ ए पॉइंट एक ऊंचा पॉइंट है जहां जाके हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो इस कारण से आय कर ट्रू मामले में डिग्रेसिव है कि 10 करोड़ तक ले जाएगा प्रोग्रेसिव, अब बाद में हॉरिजॉन्टल हो जाएगा कि बाद में बहुत आदमी उस पर है नहीं, 10-5 को आदमी रहेगा, तो सीधा उस पर जो 5 करोड़ रहेगा उसको भी वही हाल, 6 करोड़ में वही हाल। तो नहीं हो क्लास में, चलो चलो चलो, हमको ध्यान ही नहीं था, हमको लगा 8 9 बजे अभी तक. आय का समान वितरण, आय की विषमता, आय की असमानता, प्रगतिशील कर लगा करके हम लोग इस रेखा को ऊपर ठेलते हैं, तो इतना जो गैप हो गया, कि गैप जो है विषमता इसका घट गया। और जैसे जैसे सटते सटते इक्वल कर में सट जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन जो है 45 डिग्री का, इस पर आय की समानता है। तो आय की समानता जो है, आय का समान वितरण कहा जाता है कि पहले रूस में था, लेकिन अब वैसा वैसा कुछ नहीं। रूस में भी गरीबी अमीरी का हाल हो गया है। पहले रूस का नाम क्या था? यूएसएसआर। स्नेहा, यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होगा बताओ तो? बोले सर, हाँ बोलो। यूनाइटेड, द यूनियन ऑफ सेवरल सोसाइटी रिपब्लिक, क्या? यूनियन ऑफ सोवियत सोसाइटी रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट रिपब्लिक सोशलिस्ट रिपब्लिक, कौन बोला है? पूरा से बोलो। यूनियन यूनिटी ऑफ, ऑफ यूनियन ऑफ यून, मनीषा जी एक मिनट, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। कौन बोल रहा है? नाम बोलो अपना। अंकिता, अंकिता बोल अंकिता। रही हूँ सर जी. अंकिता, कहाँ पर तुम टीचर हो? बेगूसराय में सर. बेगूसराय। बेगूसराय जो है बहुत रिच जगह है ना, नहीं सर, ऐसा कोई इंडस्ट्री वगैरह तो नहीं है वहाँ. लेकिन ज्यादा वहां देखते हैं कि बाबू साहब सब है कि क्या है, हाँ धनवान सर, बाबू आदमी, साहब. कुछ बड़ा बड़ा आदमी सब वहां का बेगूसराय। तो ठीक बोले, ये
यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यही ना बोली हो? जी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, चूंकि अभी रूस युद्ध कर रहा है जी तो जो मेंबर बैठा हुआ होगा उसको खुजली हो रहा होगा, ये क्वेश्चन पूछ देगा कि अच्छा आप बताएं जो अभी रूस है सो, अब पहले जो रूस था सो, दोनों में क्या अंतर है? तो कहना है कि पहले जो रूस था वो जी यूएसएसआर का राजधानी था, और उसको अमेरिका ने फुसला कर 15 भाग में तोड़ दिया। कितना भाग में तोड़ा? 15 भाग में। 15 भाग में। पहला नाम है रसिया, दूसरा नाम है यूक्रेन, तीसरा नाम है, चौथा नाम है, पांचवा नाम है। पूछिए इसे, गूगल से पूछिए 15 नाम, तुरंत पूछिए हर आदमी। दूसरा आशुतोष तुम बताओ ना, तुम तो पढ़े हुए हो, कौन 15 नाम है? दूगो तो नाम हम ही बता दिए, रूस बता दिए, बेलारूस बता रुको, दिए, उज्बेकिस्तान बता दिए, आर्मेनिया, आर्मीनिया, आर्मीनिया, अजर अजरबैजान, अजरबैजान, बेलारूस, बेलारूस, इस्टोनिया, इस्टोनिया, जॉर्जिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लात्विया, लाटविया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, मालदेवा, लिथुआनिया मालदेवा, है, मालदीव, मालदीव, मालदेवा, मालदीव, यहाँ लिखा हुआ है मालदेवा, मालदीव हाँ नहीं भाई, मालदीव पर, मालदेवा, मालदेवा, रूस, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, है, यूक्रेन, यूक्रेन जो अभी युद्ध कर रहा है, हाँ, और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। अब आप लोग सब आदमी होमवर्क लिख लीजिए, कल के क्लास में आपको रात वाला क्लास 8 बजे होगा, 7 बजे नहीं होगा, और आपको याद करके आना है। इंटरव्यू में आपसे पूछेगा कि यूएसएसआर और यूएसए में क्या अंतर है, तुमको बताना है कि यूएसए अभी मौजूद है, यूएसएसआर समाप्त हो गया है, यूएसएसआर का विघटन हो गया और उसको 15 नाम से 15 कंट्री बना दिया गया। पहले यूएसएसआर जो है एक ही कंट्री था और उसमें 15 राज्य था, और आज 15 राज्य नहीं हो करके 15 कंट्री हो गया। कौन सा कंट्री है? तो रूस है, बेलारूस है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, इस सब को नोट कर लीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। देखते नहीं हर 6 महीना में सैमसंग कहता है अपग्रेड हो गया, अरे तो पहले डिग्रेड दिया था क्या तुम? हर महीने, हर 6 महीना पर कहता है बदलिए, आईफोन वाला तौरों कहता है 6 महीना पर बदलिए। तो कहता है, खत्म पूछ रही है कि हो गया क्लास, उस खत्म उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान जो है, गया। किर्गिस्तान, बेलारूस, है ना, धर 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 याद करके कल सुनाना है। नवनीत जो है सुन लो, सर मंगलवार बीफे वार, दोनों दिन 8 बजे से क्लास शुरू होगा, 7 बजे का क्लास बंद हो गया। जी, मंगल और ग्रुप को हाँ,
दूसरे जगह ड्यूटी लगा हुआ है हमारा, जी गुप्त काम है, इसलिए उसमें हम गायब रहे। तो इसलिए आप जो है 8 बजे आ जाइए और क्लास में घुस जाइए, आपस में डिस्कस कीजिए। और जो 15 गो नाम है उसको एकदम जी जवान पर लाइए, हर आदमी बोलिए, ताकि जी इंटरव्यू में आप गए जी अधर धर 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 पूछ दिया, आप सब जवाब दे रहे हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस जो है, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर वो खुश होगा। यूएसए, अमेरिका को कब आजादी मिली थी? तिहत्तर है? चौदह कितना सौ अठानवे उसमें बोल रहा? लिख 1498 सर, ना तिहत्तर सत्रह सतर सर, ना 1498 वो किए थे, वास्को सर डिगामा किया था इंडिया का और अमेरिका का ये किया था। देखिए बोल रहे कि आजाद कब हुए थे? नहीं हाँ, तो आजाद के ही बारे में बोल रहा नहीं हूँ, तो खोज कब हुआ था ये तो आप खोज जो हुई है ना, आजादी के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ बेटा, आजादी हाँ है ना, कह रहे कब? 1775, सर, या 1776, छिहत्तर एडम स्मिथ से किताब कब निकला था? सत्रह सौ छिहत्तर 1776 वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी वही है, 1776, चेक करके देखिए सत्रह सौ गूगल। छिहत्तर जी, 1776 को 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ। वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1776, आ उसी समय एडम स्मिथ की किताब निकली, एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। जी तो आय का वितरण समझ में आ गया, आय के वितरण प्रोग्रेसिव डिग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव है, सबसे अच्छा कौन होगा? प्रगतिशील होगा, प्रगतिशील है ना? तो कर सकते। लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए कि प्रगतिशील कर को श्रेष्ठ माना गया है। क्या सर? आय के वितरण जी की विषमता, विषमता को दूर करने का तरीका राजकोषीय नीति तथा प्रगतिशील कर, प्रगतिशील कर का उपयोग किया जाता है। तो पहला काम, आप आय के वितरण विषमता को दूर करने के लिए लॉरेंज कर्व लगाइए, लॉरेंज कर्व को ऊपर शिफ्ट कीजिए, तो आय की विषमता दूर होगी। आय की विषमता की माप कैसे करते हैं? गिनी कोफिशिएंट से। वो गिनी कोफिशिएंट से सर, गिनी गुणांक से। आय की विषमता की माप गिनी कोफिशिएंट विधि से किया जाता है। दूसरा काम क्या कीजिए? ये तो पहला काम हो गया, दूसरा काम है कि कैसे आय की विषमता को दूर करेंगे। तो कहता है
कि इसके लिए आप धनवान पर अधिक कर लगावे, अधिक कर लगावे, जैसे आयकर पूंजी कर पैसा कम आय वाले पर कम कर लगावे। इससे आय की विषमता में कमी होगी। परिसंपत्ति कर मृत्यु कर विरासत कर आदि लगाकर धनवान की आय के वितरण की आय के वितरण की विषमता धनवान के आय को सरकार ले ले, धनवान ले लेती है और इसे कम आय वाले व्यक्ति को हस्तांतरित करती है। कहता है कि सैलरी बढ़ा दीजिए। जी 1973 में लेक्चरर के पद पर सरकारी कॉलेज में ज्वाइन किए तो 535 रुपया सैलरी था। 535 रुपया ये सैलरी था। अब मकान मालिक जो है 150 रुपये किराया लेता था। ज्यादा था सब उस नहीं, 150 रुपये किराया था और सैलरी मिलता था 535 रुपया। आज जैसे ज्वाइन किए तो 3 महीना के बाद केंद्र सरकार निर्णय ली कि लेक्चरर सबका सैलरी बढ़ाया जाए, कम से कम 700 होना चाहिए। तो 3 महीने के बाद सैलरी हो गया 700। हम बोल रहे थे तो एक दूसरा किरायेदार जो था कह चुप रहे का है, तो मकान मालकिन सुन लेगी जिस मकान में किराए में रह रहे हैं, तो वो भी अपना बढ़ा देगी। तो हम लोग कहे कि धीरे धीरे बात करते हैं, लेकिन खुशी की बात है। फिर और पूछ
कुछ दिन के बाद मालकिन आई, कह कि सुनिए ना, हमारा बेटा कलकत्ता में वो आ रहा है, यहीं रहेगा, मकान खाली करना पड़ेगा। तब तो तुरंत कहे कि भाई जो बढ़ाना है बढ़ा दीजिए, फिर खाली मत कराइए, कॉलेज से नजदीक था वो। तो कहा ठीक है, आपको हम रखेंगे, आप अच्छा आदमी है, थोड़ा बढ़ा दीजिए। और दूसर का था, वो बिगड़ गया किरायेदार, काहे तुम बढ़ाए, हम लोग मिल के झगड़ते हैं। बिजली का पैसा जो है, बिजली का पैसा देवे नहीं किया, लाइन कट गया। लाइन कट गया तो जो आदमी किरायेदार था दूसरा, वो आईटीआई एगो होता है ना, आईटीआई, आईटीआई में वो इंस्ट्रक्टर था, तो थोड़ा रफ टाइप का था, बोलचाल में भी देहात में भी। बिजली का लाइन कट गया और मकान मालकिन कही कि हम लाइन नहीं लेंगे, तो पूरा पैसा हम कहाँ से देंगे, हम नहीं देंगे। अब बिजली वाला से हमको वो दोस्ती हो गया था, उसको इकोनॉमिक्स नहीं आता था, बीपीएससी उसको देना था, तो कहता था कि सर कुछ पॉइंट क्लियर कर दीजिए हमको, हम एकदम क्लियर करेंगे, हमारा क्लियर कीजिए ना। तो क्या, तो हमको मेरे नाम से वो मीटर मेरे इस मकान में लगा दीजिए। बस वहां से ऑर्डर किया, अब पूरा आया मिस्त्री सब, अब उसका मीटर बगल में ऑफ है, उसी के बगल में करंट लगा के हमारा मीटर चला दिया, उसको लिख दिया पीसी वर्मा, टाटा कॉलेज चाईबासा लेक्चरर उनका है ये। अब सब कह रहा है कि सर थोड़ा सा लाइन अपना हमको भी दे दीजिए, हमको लाइन नहीं देंगे, हमें वो खिड़की खोले रहेंगे, उसके रोशनी से आप अपना कुछ लिखना पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। हम भी उसमें अपना पढ़ते रहते थे पीएचडी सब के लिए, तो लाइन दिया ही नहीं, नहीं लिया, नहीं लेगा। जी हम पूरा अपना एंजॉय बिजली का कर रहे थे, उसका पेमेंट करते थे। तो तीसरा साधन कह रहा है कि आप गरीब जो आदमी है उसको आप उसका सैलरी बढ़ा दीजिए। हम लोग गरीब थे, लेक्चरर मने गरीब, लेक्चरर का शादी नहीं होता था, अच्छा बाप रहता था, कहे मरते मर जाएंगे लेक्चरर से अपने बेटी का शादी नहीं करेंगे, क्या वो कहता था दरोगा से करेंगे, है ना, तब बैंक पीओ से, लेक्चरर से तो एकदम नहीं, फटेहाल स्थिति थी। आज जो सरकार था वो कहा कि लेक्चरर को हम भैंस समझते हैं, भाषण में दिया, और भाषण में हम भी बैठे हुए थे चुपचाप, कहा कि भैंस समझते हैं, अगर सैलरी भी कहाँ मिलता था उस समय में? और भैंस जो है क्या है, उसको छोड़ दीजिए तो गांव में इधर उधर चरते रहेगी, लेकिन रात हो करके नाद अपने घर आना। घर पर लौट आवेगी और नाद में मुंह लगा लगा के देखेगी कि कुछ घास फूस रखा हुआ है कि नहीं। तो नाद मने हो गया सैलरी। तो कहा कि स्ट्राइक करेगा टीचर साहब, करने दो, सबका सैलरी बंद कर दो। तो सैलरी की स्थिति क्या थी कि जनवरी में गए तो कहा कि अभी तो आया है सितंबर का, हमकी जनवरी महीना है ना, कभी सितंबर वाला रिलीज हुआ है, कहा जनवरी कहाँ सितंबर, तो बराबर 6 महीना 4 महीना का पैसा सरकार अपने पास रखती थी, आ कोई उसको डर भय नहीं है। स्थिति एकदम गंभीर, पढ़ाई का क्वालिटी घट गया ही घट गया, वो घट गया, स्ट्राइक किया टीचर सब। हमको भी कहा कि आपको भी आके बैठना है, हमको बैठेंगे लेकिन हम बेहोश हो जाते हैं धूप में बैठने पर, बराबर रूम में हम बैठते हैं ना, कहा नहीं जी बैठो, थोड़ा देर बैठे चले गया, उसको आया और सबको अरेस्ट करके ले गया, जेल में डाल दिया बाकीपुर जेल में, हम बच गए, बाहर थे। और अपने 1 महीना लगभग जेल में रखा, तब जा करके समझौता हुआ, तब हुआ कि भाई सैलरी कम से कम 1.5 महीना दीजिए। आ वो सरकार 15 साल चली, पति पत्नी सरकार था वो, मजाल नहीं है कि कोई टीचर कोई बकबक करे, तो एकदम स्थिति खराब थी। बाद में जो सरकार आई वो एक ऐसा प्रोविजन कर दी कि सैलरी जो है ट्रेजरी से मिलेगा, हाथ से निकल गया मंत्री का, वो ट्रेजरी में चला गया, वहां से
आपको आ जाएगा। स्कूल टीचर का भी पैसा ट्रेजरी से ही जाता है, हम लोग का भी पैसा ट्रेजरी से जाता है। अब क्लर्क उसको जोर देर करे, लेकिन ट्रेजरी में जाएगा तो पैसा उसको निकलना ही नियम है। जी तो कहता है कि कैसे आय की विषमता दूर करेंगे, तो आय की विषमता दूर करने का चौथा तरीका है मजदूरी दर को बढ़ाइए, वेतन दर को बढ़ाइए, महंगाई भत्ता जोड़िए। व्यवहारिक रूप से देखिए कि जो सैलरी आप दे रहे हैं वो उसका गुणवत्ता जो है, उसका बिक्री क्रय शक्ति जो है घट गया है कि बढ़ गया है। मूल्य बढ़ेगा तो पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? वेतन में वृद्धि जी तथा जी है जी क्या बोली? क्या बोली स्नेहा? नहीं बोली, रितु जी को जवाब ही आ रहा है ना, आप बोलते हैं क्या बोली। वेतन में वृद्धि और महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता देने का काम किया जाए। तो ये सब अगर आप करते हैं तो आय की विषमता में कमी कमी होगी। दैट्स ऑल। अभी जो है जी क्लास खत्म होगा, अब फिर तुरंत जी हम अभी खोलेंगे, उसमें जो लोग को इंटरव्यू के बारे में बताना है वो लोग ज्वाइन करेगा, जो जो इंटरव्यू के जी बारे में जानना चाहे। फिर क्लास होगी। हाँ हाँ होगी। अच्छा हाँ हाँ ठीक, कितने देर के बाद खोलिएगा जितना देर में तुम जितना देर में काजू किशमिश खा सर? के आ जाओगे उधर। आज फास्टिंग में है सर, इसीलिए थोड़ा लूज है। आज हाँ फास्टिंग में है इसीलिए थोड़ा लूज है। तो ठीक है, फास्टिंग हो तो थोड़ा पानी पी सकते होंगे? नहीं, नहा पिए सकता, अभी चाय पिए हैं। हाँ पानी पी लो, पौने 9 हो रहा है, 5 मिनट के अच्छा बाद खोलेंगे। ठीक सर, ठीक ठीक